गया, पैर मुड़ गया, स्कूल में पैर मुड़ गया। ये तो बहुत ही शर्मनाक और बुरी हार है, इससे नेट रन रेट बहुत ज्यादा इनका माइनस में जाएगा, बिकॉज खड्डी हवा चल रही है। बट स्टिल अभी स्टेप्स बचे हैं 1500, वो कंप्लीट तो करने हैं। स्पेशल चेयर है इसके लिए, चेयर तो स्पेशल है यार, अब देख ले तेरी मर्जी है, तेरे को यहाँ बैठना है या फिर कहीं और बैठना है। मतलब शॉर्ट नोटिस पे सोचो एक लड़की ये डिसाइड करे कि उसको क्या पहनना है, और उसको ड्राइकिंग भी कराना है, सब कुछ कराना है। पानी बिल्कुल बंद करा हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों, बट वाइब बहुत अच्छी है इस समय ना। YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। आज है 5 अप्रैल वेंसडे, और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30, और इतनी प्यारी धूप निकली हुई है ना यार आज, ये देखो। बस अब मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी, और पैक करते हैं फटाफट लंच, अपने फ्रूट्स, और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। सारे फ्रूट्स कट कर दिए मैंने, फटाफट मैं इसको पैक करने लगी हूँ, वाटरमेलन एंड मेलन। रायता भी रेडी है, आज मैं रायते में डाल रही हूँ ये फ्रेश धनिया, कोरिएंडर, बहुत बढ़िया हो जाता है इससे रायता। Later that same evening. बस हम लोग आ गए थे ऑफिस से 7:15 बजे, और बस अभी बैठे हैं, थोड़ी देर हम टीवी देख रहे थे, रेस्ट किया है, और अब हम पीने लगे हैं अपनी चाय कॉफी, और साथ में खाएंगे पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न हमारे हो गए हैं रेडी, तो देखती हूँ सुदीप को, उसको बहुत भूख लग रही है, और अब इसके बाद ये उसको देख के उसके लिए बनाती हूँ बढ़िया सी कॉफी। मेरे 2 पार्सल्स भी आए हैं आज अमेजोन से, ये थोड़ा सा वही जो हम घर के सफाई वगैरह करते हैं, तो उसका ही मैंने कुछ कुछ सामान मंगवाया है। अब मैं बनाने लगी हूँ सुदीप के लिए ये चना सैलड रात को डिनर में, तो ये मैंने बॉईल कर दी है, सुबह भिगो गई थी मैं। नीचे आई हूँ थोड़ी देर वॉक करने, मेरे स्टेप्स आज कंप्लीट नहीं हुए थे 10,000, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आके वॉक कर लेती हूँ, 2-3 हज़ार बचे हैं। नीचे बहुत अच्छा है, इतना ठंडा ठंडा प्रेजेंट वेदर है। सुदीप ऊपर ही है, वो डिनर कर रहा था, तो मैं नीचे आ गई। 6 to 7 किलोमीटर्स होना चाहिए, बस मैं फटाफट 15 मिनट के अंदर वॉक करके इसको कम्प्लीट करती हूँ। पानी बिल्कुल बंद करा हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों, बट वाइब बहुत अच्छी है इस समय ना, तो मज़ा आ रहा है नीचे बैठ के। बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई है, भी हवा चल रही है, बट स्टिल अभी स्टेप बचे हैं 1500, वो कंप्लीट तो करने हैं। वीक है सुदीप का बर्थडे वेंसडे को, मैंने उसके लिए बहुत बढ़िया सी पार्टी प्लान करी है, घर पे ही है पार्टी, उसकी प्लानिंग कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से, तो अभी मैं यहीं थोड़ी देर बैठूंगी और सबको पहले इनवाइट भेज दूंगी उसके बर्थडे की पार्टी का। कल के लिए मैं कर रही हूँ छोले वाले राइस की तैयारी, कल लंच में ऑफिस ले जाने के लिए मैंने अनियन चॉप कर दिए हैं, ये भी वॉश करके रख दिया था, भिगो दिया था थोड़ी देर, और बस अब ये तड़का लगा के मैं बनाने वाली हूँ छोले वाले राइस। नेक्स्ट डे जो भी 6 अप्रैल 2023 और थर्सडे का दिन है भाई, आप देख सकते हो हम लोग दिल्ली वाले घर अपने आ चुके हैं, शाम को ही आए हैं अभी जस्ट 6 बजे के करीब, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर रहे थे, मेरे को हल्का सा कोल्ड हो गया। अब प्रोग्राम को जैसा है कि कल है भाभी का बर्थडे, उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं डिनर पे विद फुल फैमिली। साइना जा चुकी है अपने मम्मी पापा के साथ, निकल चुकी है, मैं यहाँ से मम्मी पापा को लेके जा रहा हूँ, वहाँ से भाभी की फैमिली भी आ रही है, तो फटाफट से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, ऑलरेडी 9 बज गए हैं, देखते हैं यार सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके चलें। चलो चलो रेडी रेडी। कोलकाता ने 204 रन मार दिए पहले बैटिंग करके बेंगलोर के खिलाफ, मेरे को समझ नहीं आ रही, 5 आउट कर दिए थे 80 पे, फिर भी 200 पहुंचा दिए। अब भाई ऑब्वियस बात है, चाहे कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी पिच हो, 20 ओवर में 200 चेस करने टास्क तो है भाई, तो अब देखते हैं भाई क्या बनता है, चेस कर पाती है आरसीबी या नहीं। हम लोग निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं हाउस ऑफ रॉयल्स NSP, समय यहाँ से लगेंगे 15-20 मिनट्स, तो वहाँ पहुँचते और आपसे मिलते हैं। A few moments later. लोग पहुंच गए और ये देख लो यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, हाय यार वेलकम करने के लिए, हमारा हाय, और क्या हाल चाल है, क्या हो गया, पैर मुड़ गया स्कूल में, पैर मुड़ गया, तो क्रिकेट कैसे खेलेगा, क्रिकेट ऐसे खेलूंगा। वैसे बताऊँ एक बात बोलूँ, तो लग रहा स्मार्ट है आज, पता है ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट और पैरों से थोड़ी स्मार्ट शूज, हाथों से खेलनी होती है, तो भागेगा तो पैरों से ही, तो भागना कौन सा है, रन वाली कौन सी खेलता हूं मैं, सिर्फ चौके छक्के मारता है बस यार, तू प्लेयर है यार सही में, बहुत बड़ा पता है यार, ग्लास टूटा है। जगह देख लो यहाँ पे, ये कुछ वाइब है इस जगह की, बढ़िया एकदम, हमारा टेबल अंदर है, अभी अंदर जाएंगे वहाँ पे उधर, और वहाँ बैठेंगे जाके। स्मार्ट बताएगा, स्मार्ट क्या खाएगा आज, मैंने मंगवाई अपनी स्मूदी और चिकन विंग्स और फिश फिंगर्स, फिश फिंगर या ऑल नॉन वेज, वेज कुछ नहीं खाएगा, नहीं वेज तो मैंने एक शेक हुआ है, वेज क्या शेक तुम्हें बट ऐसा है, सुन ले मेरी बात, अब यहाँ मैंने चेयर लगवाई है, यहाँ बैठेगा मेरे साथ, स्पेशल चेयर है इसके लिए,
चेयर तो स्पेशल है यार, अब देख ले तेरी मर्जी है, तेरे को यहाँ बैठना है या फिर कहीं और बैठना है। देख आज यहाँ नहीं बैठ रहा मतलब सारे सीटें बदल रहे हैं यहाँ पे, इधर आएगी वो स्मार्ट वहाँ बैठेगा। आजा आजा, कहाँ गया वो? चला गया, चला गया। स्मूदी। क्या स्मूदी? स्मूदी है ये। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्मार्ट होते हैं ना वो ऐसे ही पीते हैं, क्या ये सच है? खाते हैं। अच्छा ओहो। A few inches later. हमारा डिनर हो गया है, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया डिनर था। बस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो गन सो गया है, ये देखो स्मार्ट यार। यार। सो गया यार गंज। बहुत ही बुरा हारी है आरसीबी। आरसीबी 5 थी कोलकाता और पहले तो आपने 200 बनवा दिए, इसके बाद आप खुद 123 पे ऑल आउट हो गए पूरे। बहुत ही शर्मनाक और बुरी हार है, इससे नेट 100 बहुत ज़्यादा का माइनस में जाएगा। बिकॉज मार्जिन देखो यार, आप ऑलमोस्ट 80 रन का मार्जिन है कि आप हारे हो उससे। जीता हुआ मैच था बैंगलोर का यार, बिल्कुल ही केयरलेस क्रिकेट था। मैंने वैसे भी नोट किया यार, बैंगलोर की जो टीम है ना कोलकाता के साथ ना स्ट्रगल करती है बहुत ज़्यादा। पहले भी आपने पुराने सीजन में देखा होगा, एक तो उनके स्पिनर्स नहीं खेले जाते इन लोगों से, आज भी वही हुआ। 10 में से 9 विकेट स्पिनर खा गए, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और वो डेब्यू का लड़का है सुयश। पैक कर रहा था 80-5 थी कोलकाता की, आज तो 150 पे रोक के निकाल लेंगे, बट हो गया बिल्कुल ही उल्टा। कल जो मैच है ना IPL में भाई, वो है लखनऊ और हैदराबाद। भाई हैदराबाद मुझे लग रहा है एक ऐसी टीम है जो कभी भी किसी को भी हरा देगी, बिकॉज उसमें प्लेयर्स का जो मिक्सचर है वो काफ़ी बढ़िया है। इट्स ऑल अबाउट क्लिक। एक बार वो क्लिक कर गए ना अगर साथ में सारे, किसी भी टीम पे भारी पड़ जाएगी हैदराबाद की। तो देखते हैं भाई कल क्या होता है। आफ्टर 5 डेज ये लखनऊ वाले बैग की अनपैकिंग हो रही है, क्योंकि हम सीधा गुड़गांव वाले घर चले गए थे। ये वाला बैग एज इट इज़ पैक्ड ही था, तो इसको अब हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो अब इसकी बस अनपैकिंग करूँगी और फिर कल मशीन लगाते हैं सुबह 2-3 लॉट धोने के लिए। और एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं, सुदीप के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है अमृतसर, क्योंकि हमें वहाँ से इनवाइट आया है। तो मेरे वहाँ जो मामू मामी हैं, जो हमने उनको ब्लॉग में दिखाया था जब अमृतसर गए थे, तो उनके बेटे की शादी है। बहुत क्विक उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है, क्योंकि वो लोग ऑस्ट्रेलिया रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, उनको वीज़ा अभी मिला है। मैं अभी इनवाइट आया 2-3 दिन पहले, तो वहाँ की तैयारी है। तो सुदीप का बर्थडे सेलिब्रेट करके हम रात को ही 3-4 बजे अमृतसर के लिए निकल जाएंगे। तो हम दोनों अपना ड्राइव करके, क्योंकि हमें वहाँ पे 11 बजे तक पहुँचना है। मैं कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, तो अगर हमें स्टीम आयरन कराने हैं या कुछ ड्राई क्लीन कराना है तो हम 2-3 दिन के अंदर करवा सकते हैं। तो बस अभी मैंने सुदीप के भी कपड़े निकाले हैं, डिसाइड कर रहे हैं यार क्या पहनना है। बहुत डिफिकल्ट है सोचना इतनी जल्दी, मतलब शॉर्ट नोटिस पे सोचो एक लड़की ये डिसाइड करे कि उसको क्या पहनना है, और उसको ड्राई क्लीन भी कराना है, सब कुछ कराना है। तो बस अभी मैं बहुत सारे कपड़े निकाल के आई हूँ, सुदीप के भी और अपने भी। कल वैसी छुट्टी है हमारी, तो कोई जल्दी नहीं है सोने की, तो पहले आज ही कपड़े फाइनल करेंगे ताकि सुबह उसको मैं दे आऊँ और 2-3 दिन में हमें वो मिल जाए।